जयपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब गुस्साए ग्रामीणों ने निगोही थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में एसओ इंस्पेक्टर समेत दो सिपाही घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बिजली की शिकायत को लेकर बिजली घर में ग्रामीणों ने हल्ला बोला था, जिसके बाद ग्रामीण थाने पर शिकायत करने आए थे। पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक हुई, उसके बाद ग्रामीणों ने थाने पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जमकर उत्पात मचाया गया। इस दौरान एसओ का सीयूजी नंबर का मोबाइल भी ग्रामीण ले गए। पुलिस ने बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा के ड्राइवर समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही 40 से 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मोबाइल फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर रही है। दबिश के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सीयूजी नंबर था, मेरा प्राइवेट नंबर भी था। जिन लोगों ने थाने में आकर पुलिस कर्मियों पर और आपके ऊपर हमला किया है, क्या कुछ वहां से थाने से वो लोग ले गए? ना, और कुछ नहीं ले गए, मेरा मोबाइल ले गए। कौन सा मोबाइल था आपका, पर्सनल था या किस तरह? मेरा पर्सनल मोबाइल था, उसमें सरकारी सिम पड़ा था, एक मेरा प्राइवेट पड़ा था, आईटेल का मोबाइल था। थाने पर आकर करीब 50 से ज़्यादा की संख्या में लोग आ गए, यहाँ पर वो जाम लगाने लगे थे। प्रभारी निरीक्षक यहाँ पे आए तो उनसे बात करने का प्रयास किया, तो